नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सिंह, आप देख रहे हैं BPDM YouTube चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी मतलब कि PPU का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है UG ग्रेजुएशन के लिए आ गया है 7 सितंबर को, और बहुत सारे विद्यार्थी को इससे लॉगिन करने और मेरिट लिस्ट देखने में दिक्कतें आ रही है। बहुत लोग अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो पासवर्ड को रिसेट कैसे करना है वो हम आपको इस वीडियोज में बताएंगे। हमारे साथ बने रहें और इस वीडियोज को पूरा देखिए, और साथ ही साथ कैसे लॉगिन करके अपना कॉलेज देखना है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। चलिए शुरू। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, अब सीधे मोबाइल स्क्रीन पे आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल पे की ppup.ac.in, तो आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। उसके पास आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है एडमिशन पोर्टल न्यू, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा एप्लीकेट लॉगिन, कॉलेज लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है मेरिट लिस्ट देखने के लिए। तो जैसे ही आप एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का स्क्रीन खुलेगा, नया पेज, और वहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यदि आपको यूजर नेम और पासवर्ड पता है तो आप डाल के लॉगिन करिएगा। यदि यूजर नेम पासवर्ड में से कोई भी आप भूल चुके हैं तो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आपको दो चीज मिल रहा होगा, इफ यू हैव इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रेड से OTP बेस्ड लॉगिन है, और वहीं पे उसके नीचे मेरी सेकंड लॉगिन पासवर्ड है। तो सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे ही आप ये ग्रीन कलर का रिसेंट लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया स्क्रीन कैसा हुआ हम आपको दिखला रहे हैं, तो देखिए। और उसके बाद जो है क्या करना है, आपको जो भी डिटेल पूछे जा रहे हैं मैट्रिक के 10th वाला और रोल नंबर जो भी है वो हम भरेंगे यहाँ पे। वो कैसे है तो पहला देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है हाई स्कूल रोल नंबर, तो हाई स्कूल मतलब कि 10th, मैट्रिक आपका रोल नंबर डालना है। दोस्तों यहाँ पे गौर करिएगा, आपका रोल नंबर और रोल कोड दोनों होता है, तो दोनों साथ में यहाँ पे डालना है, सिर्फ रोल नंबर नहीं डालना है। पहले आपको रोल कोड डाल लेना है, उसके बाद डैश देना है यहाँ पे, फिर रोल नंबर डालना है। दोस्तों गौर कीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो आपका नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, देखिए रोल कोड, पहले मैंने रोल नंबर डाल लिया था तो छूट गया था रोल कोड, तो रोल कोड डाल रहा हूँ अभी। जैसे ही मैं रोल कोड डाल लूँगा यहाँ पर, और उसके बाद हमको जो है क्या करना है, 10th पासिंग ईयर डालना है, किस साल पास हुए थे आप। तो 2017 में पास हुआ था ये कैंडिडेट, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा, सॉरी 17 में, तो 17 यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। और फिर जो है बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आप 10th पास किए थे, तो यहाँ पे बिहार बोर्ड थे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पे डाल दिया गया है। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट यानी कि 12th का रोल नंबर डालना है, तो रोल नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ रोल नंबर ही नहीं, रोल कोड और रोल नंबर। खास बात यहाँ पे क्या है दोस्तों, के बीच में डैश नहीं देना है, रोल नंबर रोल कोड के बीच में डैश नहीं, पहले रोल कोड डालिए और उसके बाद रोल नंबर आपको डाल देना है। तो देखिए 10/46 यहाँ पे डाला गया, सॉरी 17/046 है, और उसके बाद जो है अब रोल नंबर डाला जा रहा है 19/01/033 जो भी है मेरा वो डाल रहा हूँ। और उसके बाद जो है पासिंग ईयर डालना है, तो किस साल आप इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए थे वो डालिए, 2019 में पास किए थे। उसके बाद जिस मोबाइल नंबर आपका जो फॉर्म भरे होंगे एडमिशन पोर्टल पे जाके यूजी के लिए पार्ट वन के लिए एडमिशन, तो आप एक मोबाइल नंबर दिए होंगे, उसका आपके पास प्रिंट आउट होगा या मोबाइल नंबर हो तो उस मोबाइल नंबर को डालना है आपको यहाँ पे। तो मोबाइल नंबर को फिलअप किया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद कैप्चा कोड उसको डाल लेना है, जो कैप्चा कोड है हमारा वो हम अब कैप्चा कोड डाल रहे हैं, और जैसे ही हम कैप्चा कोड डालेंगे उसके बाद जो है हम आगे की प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे। तो अभी पहले हम कैप्चा कोड डालते हैं, और अब जो है गेट लॉगिन और पासवर्ड जो है उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमको पासवर्ड जो है हमारा खुल के सामने आ जाएगा। तो चलिए अब क्लिक करते हैं गेट लॉगिन और पासवर्ड पे। तो हम लोग क्लिक जैसे ही करेंगे तो देखिए अब हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए खुल के आ चुका है मेरा पासवर्ड क्या है। इस पासवर्ड को लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपना, जो पासवर्ड आपका खुल के आएगा, और फिर आपके पास जो यूजर आईडी होगा और पासवर्ड जो पूछेगा तो इसी पासवर्ड को डालिएगा, आपका खुल के आ जाएगा। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी लॉगिन करके। देखिए स्क्रीन पे किस प्रकार से लॉगिन करना है, तो पोर्टल पे हम आ चुके हैं मेरिट लिस्ट देखने के लिए। यहाँ पे देखिए हम अपना डाल रहे हैं यूजर नेम को, तो हमारे जो यूजर नेम है उसको मैं फिलअप कर ले रहा हूँ पहले, और जब यूजर नेम जो है मेरा फिलअप हो रहा है
और जैसे ही मेरा यूजर नेम हो जाएगा उसके बाद मैं इसके बाद पासवर्ड डालूंगा। तो मैं यूजर नेम डाल ले रहा हूँ। चलिए तो मेरा अब यूजर नेम जो है दोस्तों वो फिलअप हो चुका है। अब मैं अपना पासवर्ड डालूंगा। मैंने अपना पासवर्ड अब डाल लिया है। अब जो कैप्चा कोड है यहाँ पे 3856R वो मैं फिलअप करके लॉगिन कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरा मेरिट लिस्ट जो है कॉलेज को कौन कौन सा था पूरा खोल के आ जाएगा और कौन सा कॉलेज मिला है मुझको वो भी दिखाएगा यहाँ पे। तो देखिए किस प्रकार से, देखिए मेरा पूरा लिस्ट आ चुका है, मैंने जिस कॉलेज के लिए अप्लाई किया था और जिस सब्जेक्ट के लिए। देखिए मेरे सब में नॉट सेलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 11वें नंबर पे जो है मेरा बीए इकोनॉमिक्स वाला वो सेलेक्टेड दिखा रहा है। कॉलेज का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, बीएलपी कॉलेज मसौरी दिखा रहा है। तो देखिए इस प्रकार से आप भी अपना चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और सेव भी कर सकते हैं आप इसको। इस वीडियो के माध्यम से आप जान चुके होंगे किस तरह से आपको लॉगिन करके मैरिट लिस्ट देखना है और साथ ही साथ यदि पासवर्ड भूल चुके हैं तो कैसे पासवर्ड रिकवर करना है वो भी जान चुके होंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में हमारे जो सहायता किए हैं वो शक्ति पटेल हैं और उनका जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आशा करता हूँ ये वीडियोज आपको पसंद आई होगी और हर एक समस्या का आपका समाधान हो गया होगा। वीडियोज को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।